असदुद्दीन ओवैसी के झंडा फहराने पर बाबा रामदेव का बयान, बोले ओवैसी पर हो रहा गायत्री मंत्र का असर। आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोले डीजीपी डीएस चौहान, हमें जिस भाषा में चुनौती मिलेगी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। रायबरेली में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अराजक तत्वों ने हनुमान जी की प्रतिमा को किया खंडित। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार की तरह दूसरे राज्यों में भी हो सकता है बदलाव, बिहार में सरकार का बदलाव बेहतरी के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश में अलग अलग जिलों में 136 कैदी रिहा, जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया गया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, दो तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद। बांदा नाव हादसे में 100 घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक निकाली जा चुकी है 13 डेड बॉडी, दो अभी भी लापता। बागपत में करंट की चपेट में आया युवक, तिरंगा फहराने के दौरान हादसा, गंभीर हालत में मेरठ के लिए किया गया रेफर। बाराबंकी में स्वतंत्रता दिवस मनाकर स्कूल से वापस जा रही छात्रा की हुई दर्दनाक मौत, साइकिल से जा रही छात्रा के ऊपर गिरा पेड़। जालौन में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, महिलाओं पर लाठी से किया हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस नहीं मिलने से महिला ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को दिया जन्म। बलिया में एक खड़ी कार में अचानक लगी आग, कूद कर जली पूरी कार, कलेक्ट्रेट कॉलोनी का है वायरल वीडियो। कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर की तस्वीर हटाकर टीपू सुल्तान का बैनर लगाने की कोशिश के बाद तनाव, चाकूबाजी की घटना में एक शख्स घायल। शिवराज सिंह ने हेडगेवार में बताया आजादी का योद्धा स्मारक बनाने का किया ऐलान, कांग्रेस बोली बीजेपी गांधी नेहरू जैसे क्रांतिकारियों को भुलाकर आरएसएस का कर रही झूठा गुणगान। दिल्ली सरकार की महिलाओं को ड्राइविंग स्किल देने की मुहिम, ट्रेनिंग का आधा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, पहले बैच में 61 महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू। दिल्ली के द्वारका में गैंगस्टर कपिल सांगवान गैंग के एक सदस्य गिरफ्तार, गैंगस्टर पर दो हत्याओं का आरोप। कश्मीर में एक घंटे के अंदर दो ग्रेनेड हमला, श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, एक जवान घायल, बड़गांव में भी ग्रेनेड अटैक में एक नागरिक जख्मी। जम्मू कश्मीर में रामबन और बनिहाल के बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से नेशनल हाईवे बंद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का ट्रंप का बड़ा बयान, कहा एफबीआई ने रेड के दौरान मेरे 3 पासपोर्ट चोरी किए, विपक्ष को परेशान करने की कोशिश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पॉलीथीन की फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत, कई जख्मी।